देखिए, जो हिंसक हैं वो किसान नहीं हो सकते हैं। आप हम आप इतने हम नहीं, इतने नहीं, प्यार से हैं। आप पल्ला कैसे झाड़ लेते हैं, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते जो लोग गाड़ियाँ तोड़ने वो भी किसान ही है। देखिए देखिए देखिए, कुछ चीज़ें अगर उकसाई जाएं गांव में घुस करके ज़बरदस्ती, जब गांव की भावना नहीं है कि कोई व्यक्ति उनके पास आए जिसने उस गांव का विकास नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि ये नेता जानबूझ करके अपनी हेकड़ी जमाने के लिए गांवों में जा रहे हैं कि हम कुछ करेंगे भी नहीं विकास और गांव में हमें समर्थन तो मिलेगा। तो उन्हें जवाब दिया है और उनकी तरफ से जिस तरीके से सिसोली में हुआ, उन लोगों ने पहले उकसाया गाँव के लोगों ने, गाँव के लोगों ने कहा कि आप लौट जाओ। वे अभद्र टिप्पणियां करने लगे, बीजेपी के लोग गालियां देने लगे गांव के लोगों को, और जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन सामने आया। तो मैं समझता हूं, और अभी आपने देखा किस तरह किसान तो बेचारे हैं ना, कुछ करते नहीं है ना, वो तो सीधे साधे हैं, बिल्कुल भोले भाले हैं। आप बात समझिए, जब आप किसी को भड़काएंगे, किसी की भावना को भड़काएंगे, ये लगातार हिंदुस्तान की भावना को भड़का रहे हैं। आज इन्होंने भड़काने के अलावा क्या किया है? आज आप जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पर, दिल्ली में जिस तरीके से एक धर्म विरोधी नारे लगाएं कि मुल्ले मैं कह भी नहीं सकता हूं, और तमाम खुलेआम जो है संविधान को तार तार किया गया और कोई भी आज गिरफ्तार नहीं है, तो ये जो सरकार है वो सांप्रदायिक भावनाओं को, जातिगत भावनाओं को भड़का करके, आग लगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। मैं बार बार बता रहा हूं, और अभी हमारे जब सरकार चाहती है भड़काना, तो आपको जब पहले ही पता सरकार हमें भड़काना चाहती है, तो इससे पहले आप स्थिति को ठीक कर लीजिए, आंदोलन खत्म कर दीजिए। देखिए देखिए, नहीं नहीं, आंदोलन तो अब मैं समझता हूँ कि साक्षात अगर ब्रह्मा भी यहाँ आ जाएं, धरती पर उतर जाएं, अवतरित हो जाएं, तो ये आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला है। ये दिमाग से वहम निकाल दीजिए। हम भी इस सरकार का इलाज करेंगे, जैसा हमारे माननीय टिकैत जी कहते हैं, दो डोज देनी है जनता, आप इस बात को समझिए। पहली डोज 22 में और दूसरी डोज 24 में, क्योंकि ये दो डोज देने के बाद से इनका इलाज होगा और आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निस्तारण होगा। जी अतुल जी, आप कितनी छोटी उम्र में आपने कई आंदोलन देखे, हमने आपको कवर भी किया उन आंदोलनों में। आपको नहीं लगता ये कि जो किसान आंदोलन जिस नाम से, किसान आंदोलन के नाम से चल रहा है, ये दिशा भी भटक चुका है आंदोलन? नहीं नहीं, दिशा नहीं भटक चुका है। देखिए, जब किसी भी आंदोलन का, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूँ तमाम आंदोलनों के, तो जब कोई भी आंदोलन लगातार समय लगता है, जब और लगभग ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है, तो आंदोलन में उतार चढ़ाव, पीक राइज पीक आता रहता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम लोग दृढ़ हैं और सत्यनिष्ठा से, स्पष्टवादिता से जन समर्थन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं। अभी देखा आपने बंगाल में फर्क पड़ा, आप नकार नहीं सकते हैं कि बंगाल में जिस तरीके से तो मुंह के खाए, किसान आंदोलन से फर्क, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ा? अभी लगातार इन लोग गांव में इंतजार कर रही है जनता कि ये आए इनसे। मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूं कि कोई भी नेताओं का इस तरीके से, हिंसक तरीके से स्वागत मत कीजिए। आप उनका विरोध करिए, और विरोध अहिंसक तो विरोध उसे, होना उसे चाहिए, अच्छा हिंसक नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, आप तो लगातार कहते रहे ये हिंसक, गांव में आइए हम काला तेल डालेंगे इनके ऊपर कपड़े। नहीं नहीं नहीं, जो तरीका संवैधानिक विरोध का तरीका है उसे अख्तियार किया जाए, और लगातार जन समर्थन जुटाया जाए और किसानों की आवाज़ को मजबूत किया जाए, यही मैं कहना चाहूँगा। अतुल जी, आप एक पढ़े लिखे युवा यूथ हैं, इंटेलेक्चुअलों में आपकी गिनती होती है, किसान तो बोला भाला है, आपको नहीं लगता कुछ ऐसी ताकतें पनप रही हैं इस आंदोलन में जो आंदोलन को गर्त में ले जा सकती है? नहीं नहीं, देखिए, इसका खामियाजा बहुत लगातार लगातार आंदोलन में समीक्षा होती रहती है। जो अराजक तत्व हैं या जो और भी ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और लगातार लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम बाहर करने का काम कर रहे हैं। जी, सिसोली घटना को कैसे देख रहे हैं आप, सही है? देखिए, नहीं नहीं, सिसोली की घटना दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि हिंसक जो हुआ वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों के भड़कावे की वजह से हुआ। वहाँ पर
एक गुट का नेता जो वीएम सिंह है वो गए थे खास तौर पर भड़काने के लिए किसानों को। और जब भी किसानों को भड़काया जाता है या जनता को भड़काया जाता है तो उसका एक रिएक्शन आता है नौ, तो मैं समझता हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने देशद्रोह के मुकदमे 9 लोगों के खिलाफ किए हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की ये हत्या है। और जिस तरीके से हमारे नरेश टिकैत जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सुलझा लीजिए इस मामले को, नहीं तो संजीव बाल्यान को सच में वहाँ की जनता इलाके में घुसने नहीं देगी, ये सच्चाई है। क्योंकि जो तो जनता का नहीं, जो जनता के नहीं, जो जनता का हम रहनुमा नहीं है, जो जनता के काम का नहीं है, जो जनता की नीतियों को नहीं लागू कराता है, वैसे जनप्रतिनिधि ना तो किसानों को चाहिए और ना ही हिंदुस्तान की जनता को चाहिए, और उनका ज़रूर बहिष्कार होना चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना। बहिष्कार कर सकते हैं ना आप, विरोध तो मैं कहा, मैं कह रहा हूँ कि बहिष्कार होगा और हमारा बहिष्कार ऐसा होगा कि आने वाले 2022 के 2024 के चुनाव में हम उन्हें नहीं जीतने देंगे। हम जो नरेश टिकैत जी ने कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो एक कहा कि उनको हम आने नहीं देंगे, यहाँ धसने नहीं देंगे, वो सही है आपकी नज़र में? नहीं, क्यों क्यों सही नहीं है? आप ये बताइए, कोई व्यक्ति आकर के अपनी राजनीति चमकाए और किसानों को भला बुरा कहे, लगातार उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लगातार वो उस इलाके के मंत्री हैं और भारत सरकार में भी मंत्री हैं, फिर भी उनका रवैया किसान विरोधी है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि आपने, सुनिए उसी किसान का आप वोट लेकर के, उन्हीं सिसोली गांव और सरधना और मेरठ मंडल के लोगों से वोट लेकर के आज आप उन्हीं के दिल की बात को नकार रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं सत्ता में बैठे होने के बावजूद। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या संजीव बाल्यान जो अपने आप को मंत्री जो हैं, क्या वो आकर के हमसे बात नहीं कर सकते हैं किसानों से? सुनिए, नहीं, जो भी किसान को आंख दिखाएगा, जो किसान से टकराएगा, वो चूर चूर हो जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा जी, कानून को हाथ में ले। नहीं नहीं, कानून मैंने कहा तो मैं कह रहा हूँ चूर चूर ऐसे हो जाएगा कि जब जनता का वोट उसके विपरीत पड़ेगा तो सत्ता से वो जमींदोज हो जाएगा और फिर से उस जनता में उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। अतुल जी, आंदोलन को लगभग 9 महीने पूरे होने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि अब किसानों को घर लौट जाना चाहिए? क्योंकि सरकार इतनी ज़्यादा मजबूत समझ लो या ना सुनने वाली समझ लो कि अब किसानों की तरफ उसका ध्यान है ही नहीं। देखिए, ये सरकार जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता को आज मजबूर कर रही है कि वो आंदोलित हो, चाहे वो कोई भी, आज वर्तमान में कोई भी विषय हो, किसानी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आज पूरी जनता सड़कों पर है। तो मैं समझता हूँ कि घमंड के नशे में चूर ये जो अंधी सरकार हो चुकी है, इसे किसान सबक सिखाने का काम करेगा। और हमारा तो शुरू से ही, डे वन से हमारा जो मोटिव रहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और जब तक MSP पे गारंटी नहीं मिल जाती तब तक ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये कतई प्रधानमंत्री इस देश के अपने दिमाग से निकाल दें कि हिंदुस्तान का किसान बैरन हाथों लौट जाएगा। अब आर पार की लड़ाई है, अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। मैं कहना चाहूँगा कि जो जनता आज अपने घरों में है, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है भ्रष्टाचारी किसान विरोधी चोरों से। जो लोग इस देश में महंगाई ला रहे हैं, सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, बेरोजगारी ले आ रहे हैं, देश के युवाओं के भविष्य को कुचल रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने का, उन्हें सत्ता से बेदखल करने का समय आ गया है जी। नहीं, अतुल जी, आपको नहीं लगता जो किसान नेताओं को उम्मीद थी सरकार से और इस देश की जनता से, बहुत समर्थन किसानों को, नेताओं को नहीं मिल पाया? देखिए, क्यों नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्त जन समर्थन है और लगातार, अभी देखिए आंदोलन को आज 9 महीने पूरे होने वाले हैं और 9 महीने में ये आंदोलन बहुत ही डायनामिक
तरीके से इट हैज़ लाइक द एंटायर प्रोटेस्ट हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी यू नो सेट ऑफ पैटर्न्स. तो हर पैटर्न में हम ग्रो किए हैं और लगातार हम ग्रो कर रहे हैं. नहीं तो रह गए खाली लोग, नहीं, तो नहीं, 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 नहीं है ना, 100 होंगे, 150 होंगे. सुनिए सुनिए, हिंदुस्तान में 4000 से ज़्यादा भाषाएं हैं और 3000 से ज़्यादा संप्रदाय हैं, कई हज़ार धर्म हैं. ये बात धीरे धीरे गाँव में फैल रही है, लगातार समर्थन आ रहा है. आपको बार बार हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हम भीड़, अभी आपने पंचायत हुई थी सिसोली में, आपने देखा किस तरीके से लाखों की संख्या में किसान जुटे थे. तो मैं समझता हूँ जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी हमने टोहाना थाना घेरा था तो लाखों की संख्या में, तो अब हम एक बड़े ही अलग स्ट्रेटजी से हम चल रहे हैं. नहीं, आपको नहीं लग रहा किसानों का सब्र अब टूटने लगा है? नहीं नहीं, नहीं किसानों का सब्र अब और मजबूत हो रहा है, क्योंकि सब्र अब और मजबूत हो रहा है क्योंकि किसान किसानी भी कर रहा है, आंदोलन भी कर रहा है. गाड़ियां भी तोड़ रहा है, ये भी ध्यान रखिए ना, गाड़ियां भी तोड़ रहा है. नहीं नहीं नहीं,